बेटा मैं सब्जी लाने के लिए बाजार जा रहा हूँ। बाहर मत निकलना, घर में ही रहना, ठीक जी है? पापा रुक रुक रुक, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तेरे को पता नहीं है क्या? किधर किधर जा रहा है तू? चलती हो क्या सर? बता, तू जा कहाँ रहा है? सर बैंक बैंक जा रहा था सर। साले संडे में बैंक, साले पुलिस को झूठ बोलता है साले। ए, रुक 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 रुक, इधर आ इधर आ साले, इधर आ इधर आओ इधर आओ। और बाहर निकलेगा? सर गलती हो गई सर, और बाहर चप्पल पहन, चप्पल पहन, साइकिल उठा। जी सर। दोबारा बाहर निकलेगा तो टांग तोड़ दूंगा, बात आई समझ में? जी सर। जल्दी भाग। पापा बहुत जोर से भूख लग रहा है। साले एक भाई में तीन तीन घूम रहे हो, साले अभी लॉकडाउन है पता नहीं क्या भाई? साले सर 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 गलती हो गई सर। सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ, सब साले बहाना बना के बाहर घूमने। सच में सर सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ सर। जाओ भाग यहाँ से भाग। पापा वो खाना किसके लिए लेके जा रहे हो? तेरे जैसा कोई और भी भूखा है। आसपास के सारे दुकान सारे होटल बंद, अब सुबह से यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, थोड़ा खाना खा लीजिए। अरे थोड़ी देर पहले तुम बाजार आए थे सब्जी लेने के लिए, मैंने तुमको बहुत मारा था, जबकि मुझे तुमको मारना नहीं चाहिए था, फिर भी तुम मेरे लिए खाना लेके आए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन का बहाना करके राशन का बहाना करके बार बार बाहर घूमने आ जाते हैं, और आप तो भगवान हो नहीं जो पता कर लोगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत समझें। देश में इतने बड़े संकट में सब अपने अपने घर में अपने अपने फैमिली के साथ सेव है, पर आप ना आप अपने फैमिली के पास जा पा रहे हो, ना ठीक से खाना खा पा रहे हो, ना ठीक से सो पा रहे हो। ये वायरस कैसे हमारे देश में ना फैल जाए, इसलिए दिन रात एक करके ड्यूटी कर रहे हो, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और मेरी नज़र से यू आर द रियल हीरो ऑफ इंडिया। आई सैल्यूट यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है मैं खा लूंगा, तुम घर जाओ। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आ, मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।